मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जगनेर में विद्युत विभाग की लापरवाही से जर्जर तारों से 3 आवारा गायों की मौत। हंगामा जगनेर में जर्जर विद्युत लाइनें दुर्घटना का सबब बन गई हैं। आए दिन किसान की फसल हाई टेंशन लाइट से लग रही है आग से जलकर खाक हो रही है। कहीं जनहानि तो कहीं पशुओं की मौत हो रही है, लेकिन विद्युत विभाग की अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। रविवार की रात जगनेर रोड सड़क किनारे खेतों में विद्युत लाइन के जर्जर व लूज तारों के कारण 3 आवारा गायों व 1 सांड की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और वे हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना मिलते ही भाजपा मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर लखलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि वासुदेव बीरो मुकेश पचोरी के खेत से होकर जा रही विद्युत लाइन जर्जर है, साथ ही ढीले तार जमीन छू रहे हैं। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों से लाइन दुरुस्त कराने के लिए लगातार शिकायतें की जा रही हैं। भाजपा नेता डॉक्टर लवलेश कुमार ने अधिकारियों से संपर्क किया। विद्युत विभाग के लाइन मैन से संपर्क किया। जंगनेर SHO मणिकांत शर्मा मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृत्यु हुई गायों को कंकाल देखे। वहां ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार समस्या का निराकरण कराने की मांग की, लेकिन लापरवाही एवं उदासीनता के कारण आज तक लाइन दुरुस्त नहीं कराई गई। परिणाम स्वरूप गुरुवार की रात गायों की मौत हो गई। आज फिर सांड की मौके पर ग्रामीणों का तांता लग गया। ग्रामीण जेई SDO को मौके पर बुलाने के लिए नारेबाजी करने लगे। नहीं आने पर ग्रामीणों ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर लवलेश कुमार, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मितेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप गोयल आदि ग्रामीण लोग मौजूद रहे। जैसा कि यहाँ काफी दिनों से ये गाय मरी पड़ी हुई है जी, तो आप इसके बारे में जैसे कितनी बार प्रशासन को सूचना कर चुके हैं? मैं एक दिन छोड़ के रोजाना जुलाई से भाग रहा हूँ। हाँ, और मेरा ये 2.5 बीघा खेत है। मेरा नाम वीरेंद्र पचौरी है। हाँ। और इनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ तक भी मैंने इनसे किया। तो ये जो बोले कि पहले आप प्यार से जो झांसा देते रहे मुझे कि आप लट्ठा ले जाओ और एक दिन में गड़ जाएगा। जुलाई से ठीक, जुलाई में ही मैंने खंबा ला के डाल दिया यहाँ मेड़ पे ट्रैक्टर से खिंचवा के। फिर इनके पास रोजाना चक्कर काटता हूँ, ये बस आज आ रहे कल आ रहे, मतलब झांसे वाली बात में फिर बात खुली तो पैसे पे आई। हाँ, कितने पैसे की मांग की इन्होंने? पैसे मांगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहते हैं, जी को बुलाओ, SDO साहब को बुलाएंगे, अभी धरना करेंगे रोड पर, रोड को जाम करेंगे। साधु सुन नहीं रहा, पैसा कुछ वो नहीं हो रहा है। पैसा योगी जी कह रहे हैं ये समस्या है, गायों को ये करो वो करो, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है। 3 गाय एक तार चुराने के लिए 300 रुपए तक खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। खेत बंजर पड़ा हुआ है, कोई समस्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पैसे लेके काम कर रहे हैं ये लोग सभी। ठीक है ठीक है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कई बार जूनियर इंजीनियर को और SDO महोदय हैं उनको कई बार एप्लीकेशन लिखित में दे दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पैसे मांगते हैं, पैसे न देने पर बदतमीजी से बात भी करते हैं। तो यहाँ भी करीब 100-150 लोगों की भीड़ थी, वो जाम लगाने के लिए उतारू थे, लेकिन सभी को समझा बुझा कि जाम को रुकवा दिया गया है। और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जूनियर इंजीनियर और जो SDO महोदय हैं उन पर कार्रवाई हो, और यहाँ से जो इतनी भी गाय एक्सपायर हुई हैं, 2 तो यहाँ मौके पर पड़ी हुई हैं, इससे आस पड़ोस भी यहाँ कई कंकाल पड़े हुए हैं, इनको तुरंत वहाँ मौके पर इनको जाके इनको हटवा के और इन पर कार्रवाई की जाए जूनियर इंजीनियर पर। और जो लाइट के तार हैं करीब आप देख सकते हैं 3-3.5 फुट ऊपर हैं सिर्फ जमीन से, अभी यहाँ पानी वगैरह देंगे तो करंट तो आएगा। इन्होंने यहाँ नीचे खेती करना भी बंद कर दिया, घास भी लगी हुई है, खेती करना बंद कर दिया है। जगनेर से भारत शर्मा की खास रिपोर्ट।